कि उनका काम है अहले सियासत वो जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब मिलजुल कर साथ रहते हैं। दशहरे पर दशानन, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा और इन पुतलों को बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले हैं उनका जो मुंह है वो तैयार हो गया है। और रावण के पुतले की खासियत ये होगी कि इसकी गर्दन 120 डिग्री पर घूमेगी, आँखों से चिंगारी निकलेगी। ये तो बात रही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों की खासियत की, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिरकार इन पुतलों को बनाता कौन है। इन पुतलों को बनाने का काम मेरठ की अगर बात करते हैं तो चांद मियाँ से एक सफ़र शुरू हुआ था और उनके जो भाई हैं असलम, अब वो इस काम को कर रहे हैं। और असलम मियाँ और उनके ख़ानदान के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाते हैं, यानी कि मुस्लिम कारीगर दशानन, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को तैयार करते हैं जिनका दहन किया जाता है। असलम भाई, ये बताइए कितना टाइम हो गया आपको? मुझे भैया, मैं 45 साल हो गए काम करते हैं। 45 साल से आप बना रहे हैं? जी हाँ, 45 साल से हम बना रहे हैं। उससे पहले हमारे बड़े बनाते थे, अब मैं बनाता हूँ। 45 साल से यही काम करता हूँ। तो आपके साथ जो कारीगर लगते हैं वो सब आपके घर कुंबे के ही हैं? हाँ बिल्कुल, सब कुंबे के हैं। तीन बेटे हैं, हैं तो चार, तीन लगे हुए साथ में, और जो कारीगर हैं सब कुंबे के हैं आपस में। अच्छा, असलम भाई ये बताइए कि कितना टाइम पहले आप शुरू कर देते हैं इन्हें बनाना पुतलों को? हाँ, मुझे यहाँ 1.5 महीना हो गया काम करते हुए। डेढ़ महीने से तैयार कर रहे हैं? जी हाँ, 1.5 महीने तैयार कर रहा हूँ मैं, और कल तल के तैयार हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए कि 1.5 महीने तक तैयार करते हैं और पल भर में रावण के पुतले का दहन हो जाता है, उस वक्त कैसा लगता है? नहीं, अच्छा लगता है, बच्चे देखे हुए ताली पीटते हैं तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है हमारी। अच्छा, हाँ, सब बच्चों को पता चल जाता है कि भाई बुराई के लिए जो इन्हें किया उसका अंत हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए असलम भाई, आपने बड़ी बात कही है कि बुराई का अंत हो रहा है। आजकल बड़ा देखा जा रहा है कि समाज में बड़ी बुराई चल रही है। कावड़ को लेके भी आया, फिर खाने में आया कि कोई थूक के रोटी दे रहा है, कोई पेशाब करके जूस पिला रहा है, और उसमें एक विशेष समुदाय के लोगों को आया। तो आप लोग ख्याल रखते हैं साफ सफाई का? बिल्कुल, हम इसका ख्याल रखते हैं भैया। न्याय से कोई बात आज तक हुई नहीं, 45 साल के अंदर कभी कोई शिकायत नहीं मिली, ना कोई ऐसा करता है। कुछ लोग अपने आप करते हैं, बातें बनाते हैं, ऐसे कोई नहीं करता। अच्छा, हर आदमी अपने ईमान को जानता है। हाँ, दूसरे साथ करेगा तो उसका भी ईमान खराब होगा। हाँ, इसलिए कोई ऐसा गंदा काम नहीं करता। आपको तो किसी ने परेशान नहीं करा कि भैया तुम मुस्लिम हो, तुम क्यों बना रहे हो पुतले? नहीं नहीं, हमें तो 1982 में कर्फ्यू लगा होता जब बनाया मैंने, 87 में कर्फ्यू लगा होता जब भी बनाया, लॉकडाउन में बनाया मैंने यहाँ। अच्छा, हाँ, पूरे शहर में नहीं बना लेकिन हमने यहाँ बनाया लॉकडाउन में। तो जब तक आप पुतला उतला बनाते हो नॉनवेज वगैरह का इस्तेमाल करते हो? नहीं, वो घर ले कर लेते हैं यहाँ। नहीं, हाँ घर तो कर ले तो बात हो रही है, लेकिन यहाँ नहीं। अच्छा, ना बिल्कुल मंदिर की तरह बात है, कोई यहाँ पे ऐसा काम नहीं करने देते, ना बच्चों को करते ना हम करते, ना बीड़ी सिगरेट पीते हम। अच्छा, वैसे तो पहले से नहीं पीते खैर, लेकिन उन्होंने मिला सिस्टम नहीं खाते। अच्छा, पहले से कम खाने वाले हैं लेकिन कभी हो गया बस। तो फिर ये जो समाज में चलता है कि यार ये हिंदू है, मुसलमान है, ये तमाम तरह की बातें होती हैं समाज को बांटने की, ये तो नेतागिरी वाली बातें हैं, वो वहीं तलक रहती हैं बातें। अब जब काम का टाइम आता है ना तो सब मिलके काम करते हैं। देखिए वही बात है ना कि उनका काम है अहले सियासत वो जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब मिलजुल कर साथ रहते हैं। और एक लंबे अरसे से असलम भाई और उनके ख़ानदान के लोग रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतलों को बनाते चले आ रहे हैं, शुद्धता का खास ख्याल रखते हैं क्योंकि रावण के पुतले का दहन होता है। तो यानी कुल मिलाकर तस्वीर जो है वो सियासी तो हो जाती है, लेकिन अगर सामाजिक तौर पर आते हैं तो कहीं ना कहीं ताना बाना जो बुनना चाहिए उसे बुनने का काम कुछ ऐसे लोग भी करते हैं जो एक दूसरे का साथ मिलकर चलते हैं और त्यौहार को एक दूसरे के साथ मनाते हैं। मुस्लिम कारीगरों द्वारा ये तैयार होते हैं पुतले, फिर दहन होता है। खुशी इस बात की होती है कि सब देख कर उन्हें खुश होते हैं, इसलिए इनकी कोशिश रहती है कि हर बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों में कुछ ना कुछ नया किया जाए। तो यही वजह इस बार 120 डिग्री पर गर्दन घूमेगी, आंखों से चिंगारी निकलेगी और विजयदशमी पर रावण के पुतले का दहन होगा, बुराई का अंत होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद चौहान के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, मेरठ।